top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति पे उसी का साथी मंत्री आरोप नहीं लगा रहा है बल्कि गवाही देने के लिए पब्लिक फोरम से लेकर के और संस्थाओं तक खड़ा हो गया है। आज मैंने जैसे ही पहला किसी को फोन पे जब मैंने अपना रिएक्शन दिया तो पहली बार मैंने बोला कि ये आरोप नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे कपिल मिश्रा का ये गवाही है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ है और ये प्रत्यक्षदर्शी गवाही है। हमारे देश के संविधान में प्रत्यक्षदर्शी गवाह होने का बहुत बड़ा मायने रखा जाता है और आज जो घटना घटी है, जो आज गवाही दी है कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, गजेंद्र जैन के खिलाफ, वो कोई आज की बात नहीं है। बहुत समय पहले भी जब ये सरकार बनी थी तभी कपिल मिश्रा ने एक सवाल उठाया था, आज हमें वो याद आ रहा है कि ये सरकार पिछले कांग्रेस के सरकार के समय किए गए घोटालों को एज इट इज अपने अंडर में भी चला रही है, तब पता नहीं क्यों कपिल मिश्रा शांत हो गए, चुप हो गए। अभी जब दिल्ली में चुनाव हुआ एमसीडी का और दिल्ली के गरीब जनता के जेब पे डाका डालेंगे, चाहे 97 करोड़ का मामला हो, 16,000 की थाली का मामला हो, 4 करोड़ 20 का मामला हो, दिल्ली की जनता ने एक रेफरेंडम की तरह आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट किया। इनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों के जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी उसको दिल्ली की जनता ने अपनी तरफ से उसको समर्थन दिया और इनको सजा दी जनता की अदालत। लेकिन उस समय जब ये ईवीएम को दोषी ठहरा रहे थे तब भी कपिल मिश्रा का जो बयान था आज ध्यान देने लायक है। कपिल मिश्रा की आज की जो गवाही है वो एक दिन की नहीं है दोस्तों। कपिल मिश्रा ने कहा था ये ईवीएम से नहीं आपके कर्मों की हार है, ईवीएम को दोष मत दो, ये आपके कर्मों की हार। तो उस दिन भी हम नहीं समझ सके और तब से जो आम आदमी पार्टी में दबाव की राजनीति झगड़े चल रहे थे हमारा तो सिर्फ उससे लेना देना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना मतलब था कि ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला ये समझे। लेकिन हम उस दिन ये ईवीएम की नहीं आम आदमी पार्टी के कर्मों की हार है इस कपिल मिश्रा के बयान को शायद हम नहीं समझ सकते। कपिल मिश्रा ने देर से ही सही लेकिन जो साहस किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ गवाही देने का, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने स्पष्ट कहा है और कागज जो अब तक हमने चेक करी है उनको हटाने के बाद उन्होंने गवाही नहीं दी, बल्कि उन्होंने जब ये मामला पहले मुख्यमंत्री के सामने रखा है, मुख्यमंत्री को कहा कि आपने जो 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन से लिए थे उसके लिए पार्टी के अंदर माफी मांग लीजिए, शायद पार्टी माफ कर दे, हम उसको जनता के फोरम में बता देंगे। उसके बाद उनको हटाया जाता है, मंत्रिमंडल से हटाया जाता है और उसके बाद उन्होंने गवाही सिर्फ मीडिया में नहीं दी मेरे दोस्तों, कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ रुपया
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा अपने ही मंत्री से रिश्वत लिए जाने की गवाही उन्होंने एलजी को भी लिख के बताया। मैंने कई बार दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी अपनी पार्टी के तरफ से बहुत ही कठोरता से अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहता हूं, अब आपके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहने का न तो मोरल अधिकार रह गया और न तो लीगल अधिकार रह गया है। आपको तत्क्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सिपाही नहीं लगा, हम तो पहले से लगाते रहे आरोप। हमने पीछे 400 करोड़ के एक नोट भी छापे थे, हमारे साथियों ने उसको दिखाया था, लेकिन आज कपिल मिश्रा ने आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ गवाही देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव को भी पीछे छोड़ चुके। अब ये बात याद दिलाना था, अब तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा, इससे गिरा हुआ तो कर्म एक मुख्यमंत्री के लिए क्या हो सकता है कि वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर से रिश्वत ले, और तो साहस इतना कि एक और मंत्री बैठा हुआ उसके बीच ले। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस घटना की जितनी भी हम निंदा करते हैं वो कम होगा, लेकिन दिल्ली के नागरिकों की तरफ से भी हम अरविंद केजरीवाल के तुरंत इस्तीफे की मांग करते हैं और सभी एजेंसियों से जो ऐसे मामलों में उनको एक्शन लेने का अधिकार है उनसे हम अभी लिख के भी भेज रहे हैं। पुलिस हो, ईडी हो और क्या हो सकता है, एसीबी, इनकम टैक्स भी, सीबीआई भी, क्योंकि ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये ईडी का भी मामला बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, इसमें तमाम जितनी एजेंसी जैसे कार्यों में एक्शन लेती है उनको सुमन मोटर लेना चाहिए, और सुमन मोटर लेकर के उसको जाना चाहिए इस केस को, क्योंकि ये जनता के पैसे को अस्पष्ट रूप से लूट करके अपनी जेबें भर के भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला है जिसको देश में कोई भी नागरिक या दिल्ली में माफ नहीं कर सकता। तो कि जो एजेंसियां इसमें ये कैबिनेट, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के इस गवाही को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधि आपसे मीडिया से बात करने के तुरंत बाद हम एजी के पास जा रहे हैं। हम इस मुद्दे पे किसी को भी दिल्ली की जनता को लूटने का, उसके जेब पे टाका डालने का अब एक सेकंड भी देरी नहीं कर सकते। हम दिल्ली की मीडिया के बार पर ये बताते हुए कि ये अब तक के किसी भी मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी गवाही स्वयं कैबिनेट रैंक का एक मंत्री दे रहा है, प्रत्यक्षदर्शी है। हम इसकी निंदा करते हैं और तुरंत उनके इस्तीफे की मांग करते हैं, ताकि दिल्ली की जनता को आगे किसी लूट और भ्रष्टाचार से बचाया जा सके।